हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, CUET एग्जाम के लिए NTA द्वारा एक न्यू नोटिस जारी की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये NTA का ऑफिशियल साइट है और यहाँ पास मेंशन भी किया गया है पब्लिक नोटिस मैसेज। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन हो जाता है और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो 4 अगस्त 2022 का एग्ज़ाम था, यानी जो कल का एग्ज़ाम था CUET का, वो पोस्टपोन कर दिया गया था कम्प्लीटली। और किस किस सिटी या किस किस स्टेट का कैंसिल हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, वो भी यहाँ मेंशन किया गया है। इधर स्टेट दिए हुए हैं, इधर सिटी दी हुई है। सिर्फ और सिर्फ 4 अगस्त का ही पेपर पोस्टपोन हुआ है आपका। उसके अलावा आज की कोई अपडेट नहीं है कि आज का जो पेपर है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा, या पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट, केरला के अलावा अदर स्टेट की ये रीज़न था कि टेक्निकल एरर की वजह से जो पेपर था वो स्क्रीन पर नहीं आ पाया, इस वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन आज की ये कंडीशन नहीं है, आज कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि जो आज पेपर होने वाला है CUET का 5 अगस्त को, वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो अपने टाइम से पहुंचे, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं प्रोवाइड की गई है। सिर्फ और सिर्फ केरला स्टेट के लिए ऑफिशियल नोटिस आई है, इसके अलावा ये अदर स्टेट की नोटिस है जो 5 अगस्त, सिर्फ और सिर्फ 4 अगस्त से रिलेटेड है। तो यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं या मेंशन भी किया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA इज कंडक्टिंग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद एट 489 एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटेड इन अप्रॉक्सिमेटली 259 सिटीज अक्रॉस इंडिया एंड 09 सिटीज आउटसाइड इंडिया। तो ये प्रॉब्लम है और ड्यू टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रीजंस द CUET UG एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 4 अगस्त 2022 हैज़ बिन पोस्टपोन टू 12 अगस्त 2022, यानी 4 अगस्त का जो एग्ज़ाम था वो 12 अगस्त को पोस्टपोन कर दिया गया है। सेम एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में कोई चेंजमेंट नहीं है, वही सेम एडमिट कार्ड आप पोर्टल से डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। आज की कोई न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 4 अगस्त के लिए थी। तो जो भी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि आज का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल जाएं, ये मत सोच के बैठिए कि आपका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। सिर्फ पब्लिक नोटिस केरला स्टेट के लिए ही आई है। अगर फर्दर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूँगी। फिलहाल अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। आप है तो इसे रीड भी कर सकते हैं कंप्लीटली। आपकी जो ऑफिशियल साइट है वो है NTA.NIC.in, CUET.Samarth.ac.in, सॉरी, आपकी जो ऑफिशियल साइट है वो है CUET.Samarth.ac.in, ये आपकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ जाके आप ये PDF डाउनलोड करके कंप्लीटली अच्छे से रीड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।